नमस्ते फ्रेंड्स, आज बात करेंगे अपराजिता प्लांट के बारे में। अपराजिता प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो वास्तु के हिसाब से बहुत मतलब पूजनीय प्लांट होता है। इसके फूल जो है शिव भगवान को चढ़ते हैं और इसको बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आप पहले बात करते हैं कि अगर आप हर चीज़ अपराजिता के प्लांट में डाल के थक गए हैं सारे फर्टिलाइज़र दे करके, लेकिन आपके अपराजिता में बड़े तो होते हैं पर उसमें फूल नहीं आते हैं, तो मेरे से आप एक चीज़ ज़रूर ट्राई करें और इसका रिज़ल्ट देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अपराजिता को अगर आप 8 इंच के पॉट में लगाते हैं तो बहुत अच्छे से आपका प्लांट चलेगा। लेकिन आप ये देखें, ये तो मेरा एक वेस्ट पड़ा हुआ कंटेनर था, तो मैंने इसमें ऐसे लगा दिया था क्योंकि उस वक्त मेरे पास कोई पॉट नहीं था। और क्योंकि मैं नर्सरी से लेके आई थी तो मैं तुरंत इसको रिपोर्टिंग भी नहीं कर पा रही थी, तो मैंने ऐसे लगा के छोड़ दिया। लेकिन अभी आप इसकी ग्रोथ देखिए, ये ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं ऐसे। और लेकिन आप इसकी पत्तियों देख रहे हैं ना, ये ऐसे करके इसमें मतलब थोड़ा सा कीड़ों का अटैक हो गया था, तो मैंने नीम ऑयल का स्प्रे पे किया था। तो अभी तो फ्रेंड्स बारिश बंद हो गई है और अच्छी धूप हो रही है, तो पहले इसकी जो मिट्टी है आप 10% कोकोपीट और आधी आपकी किचन सॉइल और आधी आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला करके इसकी मिट्टी बनाएं। और सेकंड जो है, इसकी मिट्टी को आप हमेशा जो है मॉइस्ट रखें, हल्की गीली रखें, तो बहुत ही अच्छे से आपका प्लांट चलेगा और इस पर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी आएगी। और फ्रेंड्स, अब जो है इसमें जो है कैसे कौन कौन सा फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, कौन सा फर्टिलाइज़र इसमें दें हम, तो देख इसके लिए अगर आप सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी इसकी बेल जो बढ़ जाती है इसको आप जो है जैसे आप ये देख रहे हैं, तो इसको ये अपराजिता के जो फूल होते हैं हमेशा इस साइड से ही निकलते हैं, तो ये ध्यान रखें। इसको यहीं से आप जब आप यहीं से हल्का सा कट कर दे तो ये यहीं से बेल निकलने लगेगी और बहुत अच्छे से आपकी फ्लावरिंग होगी। तो अभी देखिए मेरा ये प्लांट अभी थोड़ा है, लेकिन इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं, अभी एक भी कलियां नहीं बनी है। तो आप इसमें इसके लिए इसका सबसे अच्छा जो फर्टिलाइज़र है वो मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आप हर फर्टिलाइज़र में थक गए तो। फ्रेंड्स देखिए, ये जो है मैंने आलू के और प्याज के छिलके जो है इसमें रखे थे भिगो करके, ये 24 घंटे हो गए हैं और इसका पानी आप देख सकते हो, ये देखिए कितने पूरे इसमें गल गए हैं। और अब बात करते हैं कैसी जादू चीज़ की जो बहुत अच्छे से प्लांट की जो मिट्टी को जो है एसिडिक बनाता है, ये है आपकी फिटकरी। फिटकरी का यूज़ आप इस प्लांट में ज़रूर करें और इसके अमेजिंग रिजल्ट भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने इतना छोटा टुकड़ा इस पॉट के लिए लिया था और भी जो मेरे जो बीजों से लगा रखा उसमें भी मैं ये फर्टिलाइज़र दे दूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें मैंने ऐसे डाल दिया और इसको हम चाकू से मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसको हम छानते हैं, कैसे छानेंगे। और फिर उसके बाद से आप जो है इसको प्लांट उसको आप तो देखिए, इसकी मिट्टी है जो अभी इस टाइम आप मिट्टी देखो इसकी बहुत सूखी हुई है क्योंकि कल शाम को बारिश हुई थी। तो मैंने इसमें कोई इस तरह से मैं सारे जितने भी अपराजिता के प्लांट हैं मेरे सब में दे दूँगी, ये मेरे सीट से लगे हुए थे। तो फ्रेंड्स, ये करके आप अपराजिता में आप अमेजिंग रिजल्ट पाएँ और फूल ही फूल पाएंगे। और अगर आपके पास फिटकरी नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट 1 चम्मच लेके ग्लास में घोल करके उसको 24 घंटे के लिए रख लीजिए, उस पानी को छान के स्प्रे करिए, बहुत अच्छे से आपके अपराजिता में फूल आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।